नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। मैं हूं आपके साथ मुस्कान निर्वाण। गाजियाबाद में वार्ड 35 के पार्षद पिंटू सिंह ने अपने कार्यालय पर वैक्सीनेशन कैंप लगवाया। लोगों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए लगातार वैक्सीनेशन किया जा रहा है। गाजियाबाद में जगह जगह कैंप लगाकर लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। गाजियाबाद के अकबरपुर बहरामपुर में वार्ड 35 के पार्षद पिंटू सिंह ने अपने कार्यालय पर वैक्सीनेशन कैंप लगवाया है। वैक्सीनेशन कैंप के तहत रोज 500 से 600 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। कैंप 19 अगस्त को शुरू किया गया है जो कि 25 अगस्त तक चलेगा। कैंप में निःशुल्क लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। गाजियाबाद से वैभव शर्मा की रिपोर्ट, देखते रहे दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। जी, आज आपने कार्यालय पे वैक्सीनेशन कैंप लगाया है, किस तरह की व्यवस्था की गई है? पहले तो अपने देश का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का फ्री कोरोना वैक्सीन के कैंप लगाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बहुत बहुत आभार। और जिला गाजियाबाद में वार्ड 35 में आज मोदी और योगी जी का फ्री कोरोना वैक्सीन का कैंप लग रहा और सभी जनता को फ्री कोरोना वैक्सीन लग रहा है। मैं अपने इस प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी को, सांसद जनरल बीके साहब, मेयर आशा शर्मा जी को, अपने वार्ड 35 से सभी जनता जनार्दन के तरफ से बहुत बहुत आभार करता हूं, धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस कोरोना काल में हर वर्ग को, हर क्षेत्र में एक फ्री कोरोना वैक्सीन देने के काम किए हैं, तो सदा हम लोग आभारी हैं। पार्षद जी, आज वैक्सीन लगवाने कहां कहां से लोग आए हैं और लगभग कितने लोगों को वैक्सीन लगाने की व्यवस्था की गई है? आज कोरोना वैक्सीन के इस कैंप के माध्यम से, मोदी योगी जी के माध्यम से, लगभग 500 से 600 लोगों को वैक्सीन लगेगा और ये 4-5 दिन आज उन्हीं के माध्यम से कैंप लगेगा और प्रतिदिन 400 और 500 तक प्रतिदिन लगेंगे। और ये वार्ड नंबर 35 के अलावा पूरे लैंड पर क्षेत्र का जनता आज इस पार्षद पिंटू जी के कार्यालय में मोदी जी का कोरोना वैक्सीन दिलाने आ रहे हैं और सभी जनता जनार्दन की तरफ से बहुत बहुत प्रधानमंत्री जी का आभार। कितने दिन तक ये कैंप चलेगा? ये आज 19 तारीख से लेकर 25 तारीख तक चलेगा। एक दिन छुट्टी है 22 तारीख को, जो कि रक्षाबंधन दिन है। 5-6 दिन चलेंगे। अच्छा, ये बताइए कि लोग जो वैक्सीन लगवाने आ रहे हैं, उन्हें पहली डोज लगाई जाएगी इसमें? पहली डोज भी लगाई जाएगी, जिनकी पहली डोज है वो दूसरी डोज भी लगाई जाएगी। ये जो डोज है सब 18 साल प्लस वाले लोगों को हो रहा है।